अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लाइव स्टाइल बाय इमरान फारूकी। ऑलमोस्ट 3:15 हो चुके हैं इस रात के, गैस नहीं आई है। सबके यहाँ यही चल रहा है कि 3 बजे का कहा था गैस आ जाएगी, अभी तक गैस नहीं आई है। सिलेंडर मैं ले चुका हूँ गैस का। हमारी जो बेगम है वो हमारे लिए मेरे कहने पर निहारी बना रही हैं। मैंने उनसे कहा था आज निहारी खाने का दिल चाह रहा है, निहारी वो बना रही हैं। और निहारी बनाने के लिए जाहिर सी बात है चूल्हे का जलना ज़रूरी है, तो अभी हमने सिलेंडर पे सोचा है कि खाना बना लेते हैं, क्योंकि अभी वो सिलेंडर बनाएंगे और फिर 3:30-4 तक फिर गैस प्रॉपर आना शुरू होती है, तो उसके बाद फिर पराठे बनते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हैं, कराची जैसे शहर में रहते हैं, और ये सब इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। टाइमिंग का कहा जाता है इस टाइम पर गैस आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। आज हम लोग चौथी सहरी करने लगे। मैंने कहा चले एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं अपने डेली रूटीन के ऊपर, जो हम लोगों का रूटीन होता है, लड़कों का, मर्दों का। मेरा रूटीन ये है कि तकरीबन 16 साल तो हो गए मेरे बच्चों के जब से स्कूल गोइंग हुए हैं, उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लोग रमज़ान में सहरी के बाद स्कूल जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। इन लोग के फाइनल पेपर्स चल रहे हैं, फाइनल टर्म, और अल्लाह का शुक्र है आज जुमा है और जुमे को आखिरी पेपर है, इसके बाद इनका पेपर नहीं है। नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि मैं रात भर जागता हूँ और रात भर जाग के सहरी करने के बाद मैं सोता हूँ। तो सहरी करने के बाद सोने के बाद फिर उठता हूँ, तकरीबन ये समझ लें कि अभी सहरी करूँगा, सहरी करके हम लोग इंशाल्लाह ताला 6:45 बजे अराउंड रोज़ा बंद होगा, सहरी ख़त्म होगी। सहरी के बाद 5:30 होगा, 5:45 जमात है, जमात के बाद फिर घर आके 7:15 बजे बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, और फिर इन लोग की 12:30 बजे आज फ्राइडे है तो छुट्टी होगी, इनको लेके आऊँगा। तो नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। बहरहाल ये चलता रहता है लाइफ के साथ, ये सब चीज़ें हैं। तो बस एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, अभी निहारी बन जाएगी तो निहारी आपको दिखाएंगे। बाकी आज से सोचा है कि अपने ज़िंदगी के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में आप लोगों से मेरी बात की जाएगी, चीज़ें शेयर की जाएंगी। कोई अच्छी एडवाइस, कोई अच्छी बात बतानी हो तो प्लीज़ काइंडली मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मेरी चीज़ें अच्छी लगें, मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी ना लगे तो कभी मत कीजिएगा, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो बस अभी चलता हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ गैस का। गैस आए तो बाकी पराठे वराठे, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पराठे भी हमारी बेगम बनाती हैं और सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं। मेरे बराबर में ये देखें, ये मेरी जो बेटी हैं बरीरा फारूकी, उनका टेडी बियर है, उनको उनकी सालगिरह पे मिला था। ठीक है, तो फिर हम लोग अब जाते हैं अपने कमरे में, जाके देखते हैं क्या बना और कहाँ तक पहुँचे, उसके बाद अपनी सहरी की सहरी करते हैं। लेट्स सी, उसके बाद मुलाकात करते हैं। चलिए, आप लोग की सहरी नहीं, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो सहरी की इफ्तारी भी हो चुकी होगी। ओके, आज फ्राइडे है, अम्मी के घर भी जाना है और अम्मी के घर जाके वहाँ दिखाते हैं आपको वहाँ क्या क्या चल रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को अपने रमज़ान का रूटीन के बारे में कुछ बताया जाए। सहरी तैयार है, आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा कम सहरी में खाता हूँ क्योंकि हैवी हो जाता है, और बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं तो पेपर चल रहे हैं फाइनल, पूरी रात का जाग रहा हूँ। चलें पहले आपको दिखाऊँ बनावा क्या है। जी, हमारी बेगम ने निहारी बनाई है, और ये निहारी है, इसके साथ ये सलाद है, ये पराठे और रोटियां हैं, ये अंडा है। तो अभी हम इसको खाना खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अभी ये खाते हैं, सहरी करते हैं, उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़नी है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में पहली मरतबा ये ऐसा हुआ है, कितने साल बाद के फजर में, सॉरी सहरी में मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वरना ऐसा नहीं हुआ। बट अल्लाह का शुक्र है, लास्ट पेपर है, दुआ कीजिएगा अच्छा उन लोगों का पेपर। और चलें अब सहरी करते हैं, उसके बाद भी। अच्छा जनाब, हम अभी सहरी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सहरी ख़त्म हुई है और अब हम वजू करके नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। या अल्लाह, नींद अभी से आने लगी है, लेकिन क्या करें, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, 7:30 बजे बच्चों का स्कूल लगेगा, तो फिर अब उनको स्कूल छोड़ेंगे, स्कूल से जब आ जाएंगे उनको छोड़ के फिर सोएंगे, स्कूल से लेके आना है, जुमे की नमाज़ पढ़नी है, फिर अम्मी के घर जाना, ये सब चीज़ें एक छोटे ब्रेक के बाद। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं।
और बाकी रूटीन आपको बाद में बताऊँ। थैंक यू जी। अब ऑलमोस्ट असर हो चुकी है, अम्मी के घर हम लोग आ चुके हैं, वालदा के घर के पास आके। आज मैंने आपको बताया था कि आज अम्मी के घर पे हमारा इफ्तार पार्टी है, और वैसे भी मैं फ्राइडे को अपनी वालदा के घर पे आता हूँ, तो बस यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर आके अब हम अपना इफ्तार करेंगे। सब अंदर काम कर रहे हैं जो खवातीन हैं, तो इफ्तार करते हैं, उसके बाद बस आज का तकरीबन यही रूटीन है, फिर अपने काम करेंगे जो काम है। अल्लाह मालिक, लाइफ चल रही है, कोशिश करें एक दूसरे का ख्याल रखें, एहसास करें हर इंसान का, चाहे वो आपकी बीवी है चाहे वो आपका शौहर है। आज के इस दौर में बहुत मुश्किल हो गई ये चीज़ें, अल्लाह ताला ही करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश करें, एहसास ज़रूर करें। थैंक यू।